अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि DRDO द्वारा डिजाइंड APS अपने डेवलपमेंटल फेज में और प्रोबेबली साल के एंड तक ये ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है ग्राउंड बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए, स्पेशली टैंक्स। तो ये बेसिकली उन्हें प्रोटेक्ट करता है एंटी टैंक गार्डेड वेपन से। अब APS भी दो तरह के होते हैं, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट किल की। तो ये डायरेक्टली शूट नहीं करते इनकमिंग थ्रेट्स को, इंस्टेड ये यूज करते हैं इंफ्रारेड या रडार जैमर्स। अब सोचिए, एक इंफ्रारेड सीकिंग मिसाइल आपकी तरफ आ रही है और आप उसमें लगे ट्रैकिंग डिवाइस को जैम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो वैसे भी सक्सेसफुल अटैक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्मोक और डेजलर्स का भी प्रयोग होता है, बट वो ज्यादा कारगर नहीं होते हैं। बात करें अगर हार्ड किल की, तो इसमें जनरली एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है जो आती हुई हॉस्टाइल मिसाइल को रास्ते में ही न्यूट्रलाइज करता है। जनरली हार्ड किल सिस्टम्स में काफी सारा डेटा प्रोसेसिंग का वर्क होता है क्योंकि इसमें हाई एंड सेंसर्स प्रयोग होता है, बट ओवरऑल एक हार्ड किल सिस्टम काफी बेटर होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि DRDO अपने लिए सॉफ्ट किल यूज करेगी या हार्ड किल। आज का सवाल, रिसेंटली अमेरिका ने किस कंट्री को इन्वाइट किया था NATO+ की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए?